आसिम अपने दोस्त हिमांशी से अब हर एक बात शेयर करते हुए नजर आते हैं और अभी हाल ही में उन्होंने हिमांशी को ये भी बताया कि वो किसी भी छोटी बात पर कितना गुस्सा हो जाते हैं। आसिम ने बताया कि उन्होंने एक एक्टिंग क्लासेस में 2.5 लाख रुपए जमा करवाए थे, लेकिन 4 हफ्तों के बाद ही मुझे रस्टिगेट कर दिया गया। आपको पता है कि किसी भी कॉज से किसी को रस्टिगेट नहीं किया जा सकता है, लेकिन मुझे रस्टिगेट किया। आसिम ने बताया कि उस इंस्टीट्यूट में 2 लड़कों ने मेरी दोस्त के साथ बदतमीजी की और मुझे इतना गुस्सा आ गया कि मैंने दोनों लड़कों को चेयर पर बांधा और फिर इतना ज्यादा गुस्सा हो गया था मैं कि मैं अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाया। इस पर हिमांशी कहती हुई नजर आती है कि क्या तुम मुझे भी इस तरीके से मारोगे? तो आसिम कहते हैं कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं थोड़ा प्रोटेक्टिव टाइप का दोस्त हूँ। ऐसा नहीं है कि अब मैं बदल गया हूँ, मैं जैसा बाहर था वैसा आज भी हूँ और यहाँ पर भी वैसा ही हूँ। इस दौरान आसिम ये भी बताते हैं कि इस इंसिडेंट को लेकर मैंने कुछ लाइंस भी लिखी थी और इसके बाद एट द एज ऑफ 23 मेरी राइटिंग और भी ज्यादा निखरी और उसके बाद से ये खुद चीज मैंने फील की कि उस फेज के बाद मेरी राइटिंग में बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है। बिग बॉस के इस टेढ़े सीजन की और भी कई टेढ़ी खबरें यूं ही जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ।